गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर। आप जब भी कोई वीडियो देखें, मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, इसका नाम है MS Word। एमएस वर्ड, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तथा इसे वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर वर्डियम कह सकते हैं। एक वर्ड प्रोसेसर है, यह एक क्या है, वर्ड प्रोसेसर, जो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, आपके दस्तावेज को आपने ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, एडिट चेंज कर सकते हैं, क्रिएट बना सकते हैं, शेयर दूसरों को दे सकते हैं, फॉर्मेटिंग बदलना, प्रिंट आउट उसकी प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी आदि का कार्य करते हैं। यानी जो भी आप दस्तावेज बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये सभी सुविधाएं अभी इसमें मिल जाती है काम करने के लिए। यह एक प्रोसेसर प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम का अध्ययन। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम का क्या होता है, कैरेक्टर का समूह, कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपका लिखा हुआ है, चाहे वो आपको अल्फाबेटिकल हो या फिर आपके कोई भी सिंबल्स हो, इन सबसे निकल बनता है आपका एक कैरेक्टर, अर्थात शब्द की विविध क्रियाएं। यानी जो भी आपका लेटर है, जो भी आपका वर्ड है, उस पर आप अलग अलग क्रियाएं कर सकते हैं। वे उनमें बनने वाले दस्तावेजों को तैयार करना, यानी उनकी सहायता से जो भी आप दस्तावेज तैयार करते हैं, ठीक है ना, उन कैरेक्टर की सहायता से आप दस्तावेज तैयार करते हैं, तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। यह किसी भी कार्य को कुशलता से करने में हमारी सहायता करता है। यानी एमएस वर्ड जो है, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें हमारी बहुत इजी वे में हेल्प करता है, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से अपने जो दस्तावेज है उन्हें तैयार कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन तैयार होता है, आपको बताना है आप किस प्रकार एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के स्टेप्स बताइए। जो भी आपके दस्तावेज बनते हैं, सिंपल दस्तावेज, उसमें मोस्टली यूज करते हैं एमएस वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी वर्ड केवल आपको समझना है, उतारना नहीं है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।